यहाँ फंसी थी। तो भाई टेम्परेचर है अभी करीबन -11। छत पे दिखाओ एक बार, ये उतर ही नहीं भाई, ये जम चुकी है। और आसान टास्क नहीं है भाई, चैन लगाना बोल देते हैं, पूरी ध्यान से लगानी पड़ती है भाई, ये बहुत मेहनत है भाई। सुनो मैं, देखने में अच्छी लगती है, सीरियसली जो आया ना उसको पता नहीं। गुड मॉर्निंग एंड राम राम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। भाई नज़ारा देख लो यार, आज सुबह सुबह गुड मॉर्निंग हो रही है भाई काजा से, और पूरा वाइट जो विंटर में होना चाहिए ना भाई, एक्चुअल फील वो हो रही है भाई। और ये यहाँ पे आज दूसरी स्नोफॉल हुई है, पहली हुई थी 26 जनवरी के आसपास, और दूसरी अब हो रही है स्नोफॉल, और वो अपनी बीच खड़ी है भाई उधर, पूरी कवर्ड तो नहीं हुई अभी, बट छत वत और पूरी कवर्ड है भाई। और अभी स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में, थोड़ा और टेम्परेचर, आधा घंटा और अभी चलने में तो टेम्परेचर और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे गाड़ी को। बाकी टाइम है भाई अभी सुबह सुबह के, टाइम भाई हुआ है अभी मॉर्निंग के, यहाँ बजे है 7 सुबह के, मॉर्निंग के 7 बज चुके भाई। और नज़ारा एक बार देख लो भाई, कितनी शांति है, और आपको रोड भी नज़र नहीं आ रही होगी दोस्तों, कहाँ है मैं दिखाता हूँ एक बार। ये एक्चुअली रोड है जो आ रही है, ये यहाँ से आके और इस साइड, ये मनाली की तरफ जा रहा रास्ता, और ये जा रहा भाई टूवर्ड्स नाको एंड शिमला दिल्ली जो है वो ये जा रहा। तो मेरे को यहाँ पे भाई वैसे ना सही बताऊँ, अभी टेम्परेचर तो मैंने भी चेक नहीं करा, बट रात को देखा था तो -12-14 ये लग रहा था सुबह का होगा। बाकी मुझे सीसू से कम ठंड लग रही है यार, मे बी या तो सीसू पे या जो थी ना यार हवा ज़्यादा थी, और धूप भी देखो अच्छी खासी आ गई है। वो सामने देखो आप उस पहाड़ पर, अगर आपको दिख रही होगी, मैं जूम इन करता हूँ, ये देखो भाई धूप आज निकल गई, और मौसम भी आज साफ है काफ़ी हद तक, तो चलो कहीं ना कहीं अच्छी है भाई ये प्रेडिक्शन, ये अच्छी चीज़ होगी भाई कहीं ना कहीं के अपने लिए, ठीक है मौसम खुल गया तो अच्छी बात है। बाकी भाई हम लोग अब यहाँ से वापसी निकल रहे हैं, आगे चिचम ब्रिज बंद हो चुका है, कल मेन हमें जाना था चिचम ब्रिज, वो हो गया भाई बंद, तो अब आज तो वहाँ जाने का मतलब नहीं है। बाकी हिक्किम कॉमिक वाला जो सर्किट है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, और सुमित भाई कह रहे हैं मुझे मतलब इतना खास मन नहीं है, उनकी तो हालत थोड़ी ख़राब हो गई है बर्फ़ में। और बस फिर भाई अपना भी यही प्रोग्राम है कि आज वापसी निकल रहे हैं, क्योंकि स्नोफॉल अगर आज रात को होगी, जो कि ये कह रहे हैं कि रात को हो सकती है, पूरे चांस है, तो यहाँ रास्ते बंद होने शुरू हो जाएंगे भाई, जो ये काजा से और नाको का पैच है इसमें बंद हो जाता है रास्ता 2-3 दिन के लिए। तो रिस्क नहीं ले रहे हैं भाई हम लोग, आज वापसी निकल रहे हैं अपना शिमला की तरफ। चिचम ब्रिज रह गया यार, उसका थोड़ा सा मुझे लग रहा है इतनी दूर आके, कल तो हम बस उससे हार्डली 4-5 किलोमीटर दूर रह गए थे, लेकिन आपने देखा ही था भाई कल के व्लॉग में कितना तगड़ा स्नो स्टॉर्म आ गया था, तो हमने रिस्क नहीं लिया, हमने कहा भाई वापसी चलते फिर कभी देख लेंगे। तो अपना आज का प्रोग्राम यही है बस, अब नाश्ता वास्ता करेंगे भाई थोड़ा सा, और फिर आधे पौने घंटे में निकलते हैं टूवर्ड्स दिल्ली। बाकी देखते हैं जहाँ तक पहुँच पाएँ आज अंधेरा होने के आसपास तक, 6-7 बजे तक भाई जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ अपना स्टे ले लेंगे, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें वहीं पहुँचना है। बोलने भाई थोड़ी दिक्कत हो रही है हाई अल्टीट्यूड पर, और हाथ भी जम गए बिल्कुल, तो मैं अब अंदर जा रहा हूँ भाई, और ब्रेकफास्ट वगैरह करते फिर अपना गाड़ी को करेंगे कोल्ड स्टार्ट, और फिर निकलते हैं यहाँ से। बाकी भाई ये होम स्टे था अपना, एक बार चेकआउट कर लो, रात को तो अंधेरे में दिखा नहीं पाया मैं। और ये सामने ही पेट्रोल पंप है दोस्तों, वो सामने, ये यहाँ से आप जैसे ही नीचे लोगे तो ये पेट्रोल पंप है सामने। तो भाई ये सुबह तो अपनी गाड़ी साफ करते हुए सुबह सुबह 7 बजे, और ये दिखाता हूँ मैं बर्फ का हाल, ये जम गई भाई, भाई जम चुकी है, उस तो उतर रही है बट कुछ इतनी हार्ड हो गई कि जम गई, नंबर प्लेट तो दिखी नहीं रही। कभी भी आप ऐसे बर्फ में फंस जाओ तो सीधा दरवाजा ना खोलें, कोई भी डोर ना खोलें, पहले बर्फ साफ करें। भाई अभी खोला था अपने उधर वाला, सारी बर्फ अंदर सीट पे चली गई, तो अब देखो पहले बड़ा ये भाई साहब यहाँ से क्लीन कर रहे हैं। और भाई ये कोई सोच रहा होगा कम है बर्फ, तो बता दे कि रात को भी साफ करके सोए थे, और सुबह 5 बजे होटल वाले भाई ने थोड़ी साफ कर दी थी। ये देखो भाई अब गेट खोलूंगा मैं, ये देखो तो थोड़ा सा कम गई है अंदर, नहीं तो अंदर उधर की साइड तो पूरी चली गई थी, टायर भाई टायर सब जम गया भाई सब टोटली। जिसे बर्फ से प्यार है वो यहाँ पे आए, और हर जगह बर्फ ही बर्फ पाए, देखिए
भाई प्यार भी ना मुझे भी बहुत है सही बताओ, लेकिन एक दो दिन अच्छा लगता है प्यार, उसके बाद जब यहाँ फंसने लगो ना तो बड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। कल सुबह हाथ जोड़ रहा था, प्रेयर कर रहा था रात में कि स्नोफॉल ज्यादा ना पड़े, हम कल निकल जाएं। हाँ, क्योंकि सुमित भाई को काफी डर लग रहा था इसलिए। और अच्छी बात है ऊपर वाले ने सुन भी ली। एक्चुअली ये पहाड़ों में है ना, हम तो यहाँ से थोड़ा भगवान का रास्ता पास ही है। नीचे छत पे दिखाओ एक बार भाई, ये देखो पूरी दो इस दो है। ये देखो भाई बस बस ये साफ करनी इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि गाड़ी चलाते टाइम ना अगर ब्रेक थोड़े से भी तेज लग गए सारी स्नो आपके शीशे पे आएगी और फिर एकदम ओ जॉगी भाई से ओ पंजा मार रहा है। नो 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 पंजा नहीं मार रहा, वो रख रहा था पैर। नो नो इस जॉगी ने अभी पंजा रखा खेलने के लिए, अभी सुबोध के साथ खेलेगा। नो 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 ये देखो भाई डॉग लवर ऐसे होते हैं, देखो बस 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 यहाँ के भाई देखा मैंने एक बार जो डॉगी है ना यहाँ की वो सारे ऐसे फैमिलियर टाइप है। दे दो भाई और ये देखो हाँ बस इनको कुछ नहीं चाहिए भाई, यही चाहिए बस थोड़ा सा प्यार। ये अपने आप ही खेलने आ रहे हैं यहाँ पे सारे, देखो भाई जहाँ पे रुक रहे ये देखो यही सीन है यहाँ पे। चल बस अब थोड़ा सफाई कर लो, रुक जा रुक जा, वेट वेट कहीं दिल्ली जाने के चक्कर में तो नहीं है? नहीं दिल्ली नहीं जा पाएंगे यार। बस बस भाई ये गाड़ी पे देख सकते हैं सुनो भाई, ये देखो की सुनो देख लो। ये देखो बिल्कुल रुई सी है, ये अभी पड़ी हुई है सुबह, लेकिन सबसे पास एक जुगाड़ और भी है भाई इसके साथ। भाई ये देखो आगे तो इतनी जम गई है ये ना भाई, हर ये बिल्कुल जम के ना हार्ड हो चुकी है, उतर ही नहीं रही है देखो बोनट से, तो ये उतर ही नहीं रही भाई, ये जम चुकी है। तो अभी फिलहाल भाई छत की बर्फ एक बार मैं साफ करता हूँ, अपने दूसरा जुगाड़ है वो दिखाता हूँ। और भाई जो मैं कह रहा था सबसे अच्छी बात वो यह है, देख सकते हैं धूप दिखनी शुरू हो गई है। अभी मैंने डिग्गी साफ करके और फिर खोल लिया दोबारा, उसके बाद भी कितनी अंदर स्नो चली गई है, और बिना साफ करे खोलता तो भाई ये पूरा वाइट हो जाता। देखो भाई लगे रहो, बहुत मेहनत है भाई स्नो में, देखने में अच्छी लगती है, सीरियसली जो आया ना उसको पता कितनी मेहनत है। अरे देखो भाई ये होटल है और होटल के पीछे ही आप व्यू देखिए। अभी भाई हमने डिसाइड करा कि हम लगा रहे हैं स्नो चैन गाड़ी में, क्योंकि नीचे नाकों तक पूरी बर्फ है। ये देखो अल्टो है, अल्टो में भी स्नो चैन लगी हुई है, हालांकि आगे हाँ भाई देख सकते हो। और ये तो लोकल चलते हैं सिर्फ काजा काजा, इसने कुछ दूसरे टाइप की स्नो चैन लगा रखी स्प्रिंग वाली। तो भाई टेम्परेचर है अभी करीबन -11, और एक बार अब अपना बीस्ट को स्टार्ट करके देखते हैं भाई कोल्ड स्टार्ट कैसे हो पाती है या नहीं हो पाती, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत आने के चांसेस है। तो भाई वही है इग्निशन 2-3 बार ऑन ऑफ करो, अरे कुछ नहीं करना। तो ये पूरा कर दिया भाई और अब मारते सेल्फ, होपफुली हो जानी चाहिए भाई, बाकी देखते। बोल शंकर भगवान की जय जय। चलो भाई भाई एक सेल्फ में स्टार्ट, थोड़ा सा लोड ले रही है बट वो हो जाएगी, हो जाएगी। हो गई भाई, बस आवाज थोड़ा सा साउंड इसका ना साउंड सिस्टम चेंज हो गया भाई हाँ स्पीकर चेंज करे इसके कल रात ही, लेकिन ये नेचुरल बर्फ ने स्पीकर चेंज किए हैं भाई। वाह भाई वाह, जो स्कॉर्पियो से ट्रैक्टर बन गई है। चलो ट्रैक्टर ट्रैक्टर वाली फील आ रही, कुछ कहना चाहोगे? आपकी गाड़ी ट्रैक्टर जैसी आवाज कर रही है, जैसी कर रही है बट एक सेल्फ में स्टार्ट हुई है भाई, दूसरा सेल्फ तो भाई कह रहे हैं चाहे ट्रैक्टर बन जाए लेकिन एक सेल्फ में होनी चाहिए भाई। चलो भाई बस भाई अब गाड़ी को रखेंगे स्टार्ट करीबन 20-25 मिनट, इतना अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, इतने हम स्नो चैन लगाते हैं पहले। हां पहले लगा रहे हैं स्नो चैन और फिर उसके बाद निकलेंगे यहां से। चलो भाई भाई सुबोध भाई यहां पे स्नो चैन लगाने की कोशिश करते हुए भाई, वैसे इनसे अकेले हो नहीं पाएगा और आसान टास्क नहीं है भाई, चैन लगाना बोल देते हैं, पूरी ध्यान से लगानी पड़ती है भाई। तो भाई ये अभी हमने चेन फिट कर ली है, सुबोध को सही से आया नहीं फिट करना, अब इसमें तार भी बांधेंगे अभी। ले भाई हो गई थोड़ी बहुत करी तो, अब रस्सा बांधेंगे इसमें दोनों ने मिलके भाई,
कुछ तो करा है और अपना सेफ्टी के तौर पे भाई दो थी वैसे स्नो चैन, पर हमने एक ही लगाई है, बाकी एक चला के देख लेते हैं यार, ऐसा ना हो कुछ टायर का नुकसान हो जाए कुछ, क्योंकि पहली बार लगा रहे हैं हम लोग भी, तो इसलिए एक स्नो चैन सेफ्टी के लिए भाई अपनी बांध लिया हमने, बाकी देखते हैं जहाँ जरूरत नहीं लगी तो खोल देंगे भाई। हाँ भाई वैसे इसका कुछ मुझे नहीं लगता इतना टायर पे जोर देना जरूरी है, क्योंकि इसमें से कांटे से निकल रहे हैं ना ये। ये देखो भाई इसमें ना ये काटे काटे निकले होंगे, आपको दिख रहे होंगे ये बाहर की तरफ, ये बेसिकली ट्रैक्शन के लिए है, बट ये अगर अंदर चला गया तो भाई टायर को भी नुकसान कर सकता है, तो इसका बड़ा ध्यान रख के बांधनी पड़ती है स्नो चैन। बाकी भाई बांधी तो ध्यान से ही है, और फिर भी देखेंगे गाड़ी चलाते टाइम कुछ दिक्कत आई तो उतार देंगे भाई। इससे तो पंचर नहीं होगा? नहीं नहीं इसको बाहर की तरफ ही रहने दो, कुछ ना वैसे। स्नो चैन लग गई है, देखते हैं भाई। भाई सुबोध छोड़ के जा रहा है मुझे। सुबोध ऐसे मत जा यार, कहाँ जा रहे हैं भाई सुबोध? अब काजा से कहाँ निकल रहे हैं भाई? निकल रहे हैं हम कुफरी की तरफ, बाकी जहाँ तक पहुँच पाए चल पड़ेंगे, क्योंकि भाई 12 घंटे का रास्ता और टाइम 9 बज गए। हाँ 9 बज चुके भाई, 9 बज चुके हैं भाई। अभी स्नो चैन लगाई हमने सेफ्टी पॉइंट से। A few moments later. तो भाई क्या कहना चाहोगे, स्नो चैन निकालनी पड़ गई? भाई स्नो चैन निकाली है यार, उसकी एक तो नीड नहीं पड़ रही थी ज्यादा, और थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं स्पीड को भी रोक रही थी, तो इतनी जरूरत नहीं पड़ी, तो हमने सोचा निकाल देते हैं। और वो निकालते टाइम यार गलती से एक लॉक छूट गया था खोलना, वो गलती से पूरी टायर पे रोल अंदर की तरफ होगी यार, बड़ी मेहनत लगी यार उसको फाइनली निकालने में, जितनी लगाने में नहीं लगी थी ना उससे ज्यादा टाइम भाई निकालने में लग गया। और भाई कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि टायर अटक रहा है उससे ना। हाँ टायर पे अटक लग रही थी वो पीछे कहीं, थोड़ा लग रहा था भाई, मैं भी हमने पहली बार चलाया भाई इसलिए लग रहा हूँ, पर हमें लगा कुल मिला के भाई 2x2 गाड़ियां जा रही है नॉर्मली, तो हमने कहा ऐसे ही निकाल लेते हैं, जरूरत पड़ी फिर स्नो चैन की तो लगा लेंगे। बाकी अब काजा से चल पड़े भाई, और सुबह सुबह देख लो सनराइज होने का नजारा भाई, ये है नजारा तो यहाँ कल से बढ़िया ही है नजारा भाई। बस कल पूरी स्नोफॉल हुई है भाई ये, कल यहाँ कल इतना नहीं था, आज देख लो जब हम कल आ रहे थे जब से और पूरी रात तक हुई है। चलो भाई आराम आराम से निकलेंगे, स्नो चैन हटा लिया है, स्नो चैन हटा लिया भाई, 4i पे अपना नॉर्मली चल रहे हैं, और काजा का रास्ता यहाँ से 110 किलोमीटर 3 घंटे दिखा रहा है, तो 3 नहीं तो 4 में हम कवर कर ही लेंगे भाई, बस रास्ता खुलाओ और कोई दिक्कत। चलो भाई जय भोले शंकर की, जय शंकर की। चलो भाई अब हम भाई भी भाई ये स्नो ज्यादा होने की वजह से हमारी गाड़ी स्किड कर गई हल्की सी, और लेफ्ट साइड में बराबर में ही ये थोड़ी सी जो थी ये मतलब नाली टाइप है उसमें जाके भाई गाड़ी फंस गई है, और पीछे से तो बाई चांस किस्मत अच्छी थी कि भाई काजा पुलिस आ रही थी, तो उन्होंने देखा कि काफी स्ट्रगल कर रहे थे हम लोग गाड़ी निकालने में, तो उन्होंने आए भाई हेल्प करी, और बहुत इजीली उन्होंने गाड़ी निकाल दी हमारी, क्योंकि 4x4 थी तो आराम से निकल भी गई, अदरवाइज उनको आई थिंक टो करके खींचनी पड़ती, बट अपनी गाड़ी भाई निकल गई है यहाँ से। अब तो अब चलते हैं भाई आगे, और बहुत ही केयरफुली आगे का रास्ता अब जो है कवर करेंगे। तो भाई गाड़ी थोड़ी सी फंस गई थी, और यहाँ की काजा पुलिस ने हेल्प करी, उन्होंने खुद ही ड्राइव करके गाड़ी हमारी साइड में पूरी दब चुकी थी भाई, उसका शूट करना रह गया, वो देखो यहाँ फंसी थी, लेकिन पुलिस वालों ने यहाँ पे बड़े हेल्पफुल हैं भाई, गाड़ी हमारी निकाल दी बाहर।